अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। ये अगेन आज मैं आ गया हूँ फ़िश मार्केट फ़िश लेने, और मैंने ली है सोल बारबेक्यू के लिए। आज बारबेक्यू का प्रोग्राम है जी, तो आज बारबेक्यू का सैन भी मेरे साथ आया, बाइक पे बैठा हुआ है। ये जाने उतर रहे हैं जी। और सैन किधर आए हो? तो गाइस हम आ गए हैं फ़िश लेके और कोयले लेके। अब करते हैं नेक्स्ट बारबेक्यू की तैयारी। फिश साफ करते हैं, मसाले लगाते हैं और अंगीठी को ढूंढते हैं वो किधर पड़ी हुई है। तो फिर आज करेंगे मज़े, फिश बनाएंगे बारबेक्यू स्पेशल। अस्सलामुअलैकुम जी। जैसा कि आपको पता है, मैं बाज़ार गया हुआ था हुसैन के साथ फ़िश लेने, और कोयले वगैरह भी हम ले आए थे। बारबेक्यू की हमारी तैयारी चल रही है और बच्चे भी एक्साइटेड हैं। छत पर हम आ चुके हैं। वाह ज़हरा, तू तो सो भी गई है। अरे भाई साहब, उठ जाओ, फिश खानी है आपने बारबेक्यू। तो जी, मैरिनेट करके हमने फ़िश अपनी रख दी है। तो जैसे ही इसकी मैरिनेशन होती है, उतनी देर हम आग जलाते हैं और आग जलाने के बाद उतने टाइम में ये मैरिनेशन भी अच्छी हो जाएगी आधे घंटे में। तो फिर बारबेक्यू स्टार्ट करते हैं हम जी। फायर जलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, नीचे से जल गई है और इंशाल्लाह वो फायर आ गई। वेरी गुड। इसी मोमेंट का मुझे इंतज़ार था। अभी कोले पक जाते हैं, कोले पक जाते हैं, फिर हम इसको बिखेर देंगे और बारबेक्यू स्टार्ट कर देंगे। बच्चे मेरे मस्ती में लगे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा वेदर भी दिखा दूँ। ऊपर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, साथ इस मौसम में ही बारबेक्यू का मज़ा आता है, बारबेक्यू करने का। वेदर बहुत मज़े का है, अच्छा मौसम, खुला मौसम, वैसे हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है साथ, तो पतंगबाजी भी हो रही है हल्की फुल्की हमारे इलाके में। पहले तो हमारा ये प्लान हो रहा था रात को करने का, मगर बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है तो हमने उनको पढ़ाना भी है, काम भी करवाना है, इसलिए हमने सोचा कि चलो दोपहर का टाइम है, धूप नहीं निकली हुई, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बादल बने हुए हैं, चलो इसी मौके का फ़ायदा उठाते हैं जी। ये छोटी फिश थी, छोटे साइज़ की, तो मैंने इसको सीहों पे लगा लिया और बाकी को हम जाली के ऊपर रखेंगे। और कोयले भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं, तो इनको खिला देंगे भी हम। बेटा बताती हूँ। हल्का हल्का से इसको ऑयल लगाते जाएंगे। फिश जो है ना बहुत जल्दी से पकती है, बहुत जल्दी कोयले में, कोयले पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बट म्यूजियम। ये तो मेरे पापा आज फिश बना रहे हैं, और पापा ने बहुत यम्मी यम्मी देते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत मज़ा आ रहा है जी फिशिंग को, सॉरी फिश को बारबेक्यू करने का, क्योंकि चिकन में टाइम लगता है और गोश्त को भी टाइम लगता है, लेकिन ये चुटकियों में बारबेक्यू हो रही है इसकी बहुत जल्दी। फिश को मैंने देखा बहुत जल्दी बारबेक्यू होती है, पकती जा रही है फटाफट।
जमी हाँ एक और आप खा लो एक बहुत है जी छोटी सी दुनिया का। अच्छा वालेकुम यार बेटा नीना का क्यों उठ के वाह मिठी आप इंजॉय करिए ओहो इंजॉय करिए मेरी बेटी मुझे आ रहे मजा ही मजा मामा जी ये बना लूँगा पिक्चर इसकी मगर इसमें लेके आओ मामा जी यार तो मजा ही मजा हो गया मजा आ गया बच्चों जी खा के मजा आएगा सैन को तो इतना मजा आया सैन थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना उसमें से ले रहा है खाने के लिए सैन ही क्या कर रहे हो कांटे ना खा लेना बेटा ध्यान से सैन ये देखें क्या कर रहे हो इतना मजा आ रहा है आपको मजे मजे से खा रहे थोड़ी थोड़ी देर मैं इसकी साइड चेंज कर रहा हूँ क्योंकि हीट ज़्यादा है और ये फिश बेक हो रही है बारबेक्यू का तो मज़ा ही हो रहा है बेताबले हुए हुए हैं कि फौरी तौर पे ये फिश आए और खाई जाए तो हम कह रहे हैं यार इकट्ठे सब बैठ के खाएं मज़ा भी आए क्या वो यार आउट क्लास बारबेक्यू मजे की यार इतनी जल्दी मैरिनेट हो गई है मुझे यकीन नहीं था और लेकिन ये कि बहुत शॉर्ट टाइम में मैरिनेशन इसका लेवल ही हो है फ्राई करने से बेटर है फुल हेल्दी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैली होगी लाजमन फैली होगी जी देखो मेरी ना मुझे ही बार बार शूट कर रही भाई आज तो बारबेक्यू है बारबेक्यू पे शूट कर रही है डेली शूट होते हैं मछली हमने पाली पीछे जैसे एंगर अभी ये देखें मछली खा ली कितनी हाँ ये फिश तैयार हो गई है ढाई किलो फिश रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला करम से रहम से इसने हमें नवाजा है रिजक दिया है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हज़ार दफ़ा तो अभी हम खाएंगे इंजॉय करेंगे और आप हमें देख देख इंजॉय कर आप हमें देख इंजॉय करें प्लीज़ अगर वीडियो में आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमारी फैमिली को जूता पहन के जाए हाय गाइस हमारी चटनी भी तैयार हो गई है वेजिटेबल भी और मछली भी आप हमने चखी तो अच्छी लगी जी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने खानी स्टार्ट कर दी है और अभी सब नींबू के पीछे पड़े हुए हैं मिठी अपनी डॉल के साथ खेल रही है और ये लास्ट रह गई है ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है करीब से व्यू देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी लजीज़ा फिश जो है वो मैं सोल लेके आया हूँ
बड़े साइज़ में ली, नॉर्मल साइज़ में ली है, और इस बड़ी अच्छा टेस्ट रहा है सोल का भी, ताकि बच्चे भी इजीली खा सकें, इसमें कांटे नहीं होते, सेंटर वाला होता है, ऊपर वाला निकलवा लेते हैं। तो जी ये मेरी फ़िश रेडी हो गई है, अब मैं इसे उतारता हूँ और अब मैं भी उनके साथ शामिल होता हूँ खाने में, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, फ़िश रेडी हो गई है और ये आपका भाई खाएगा। ये साथ पुदीने की चटनी, साथ सैलेड, ये हुसैन के हालात। हुसैन क्या कर रहे हो, इधर देखो। ये जी रोटी वाइट। हुसैन मज़ा आया? हाँ। उसके तहत मुबशर पुत्र आपको मेरी दोनों बेटियों को, या ये छत पे ये बैकग्राउंड को या प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये खंडरात बन चुका है बैकग्राउंड, तो या सिर्फ आप फिश पे गौर कीजिएगा। यमी फिश, टेक केयर, हमेशा हमारे साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।